हम लोग जो है वो सेकंड सेशन में है ड्रग एडिक्शन के, और फर्स्ट सेशन में हमने इसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स की हमने, और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर सिर्फ कैनबीज और मैरिजुआना को यूज़ करते हैं एग्जांपल, या हशीश, हशीश नाम सुना होगा आपने, तो ये इससे क्या क्या चीज़ें जो हैं होती हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उसको और पीने को तैयार हो जाते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट उनको जो लगता है वो लगता है कि इनको रिलैक्स मिल रहा है, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देता है उसी वक्त। जैसे ही सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि सारे जो मसाइल होते हैं, सारी जो परेशानियां होती हैं, वो आप उसको भूल के रिलैक्स हो जाते हो, तो लोग जो हैं जल्दी इसकी एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। दूसरा है कि ये कहते हैं कि वो जो इस्तेमाल करते हैं उस वक्त इनकी कुछ सेंसेस जो हैं वो ज़्यादा तेज़ आ जाते हैं, हिस्से जो हमारी सेंसेस नेचुरल सेंसेस में विजुअल आँखें तेज़ हो जाती हैं उनकी, आँखें यूँ गोल गोल बड़ी बड़ी यूँ यूँ कर आप देखें तो बड़ी हो जाती हैं, दिमाग जो है इनका तेज़ काम करने लगता है थोड़ी देर के लिए, इवन कि इनका जो खाना पीना है उसमें जो खाते हैं ये लोग, अल्कोहल पीकर भी खाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें खाते हैं। वो क्यों खाते हैं, उनकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर चीज़ का टेस्ट जो है उनको डबल आने लगता है, तो वो उनकी खुराक भी, खाने पीने की खुराक भी डबल होती है उस वक्त जिस वक्त ये इनका विजुअल, ऑडिटरी और टेस्ट परसेप्शन जो है वो, परसेप्शन इसलिए कह रहे हैं कि इनका दिमाग कह रहा है कि ये जो है इनकी आंखें तेज़ काम करी, इनका दिमाग कह रहा है कि ये इनके अंदर तेज़ी आ गई है, लेकिन ये वक्ती तेज़ी होती है, और जब इसका नशा उतरता है तो वो ज़्यादा डिप्रेस फील करना शुरू करते हैं। इसका जो इम्पैक्ट एक और है वो है मेमोरी जो है वो ख़राब होती जाती है, मेमोरी पुअर होती जाती है। आप किसी भी तरह का ड्रग यूज़ करें तो उस शख्स की मेमोरी जो है वो जल्दी ख़त्म होती है, ओल्ड एज उनकी दूसरे लोगों के मुकाबले में जल्दी आ जाती है, इसलिए आती है दिमागी ओल्ड एज की बात करें, दिमागी एज जो है वो जल्दी जल्दी चीज़ें भूलने लगते हैं। फिर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जल्दी इनका इंक्रीज होता है, तेज़ तेज़ आता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है उनका, और हार्ट रेट या हार्ट बीट जो है वो भी तेज़ी रहती है। आंखें जो है लाल लाल हो जाती हैं, ब्लड शॉर्ट आइज हो जाती हैं, जैसे अगर आपको पूरी रात नींद नहीं आती और जब आप उठते हैं और तो आपकी लाल आंखें होती हैं, और सब लोग आपको जब ये कहते हैं कि ये क्या लाल लाल आंखें हैं, तो ये इसको ब्लड शॉर्ट आइज कहते हैं, तो इनकी जो है ब्लड शॉर्ट आइज हो जाती हैं, और आपको पता चल जाता है कि ये एडिक्शन का शिकार है। आम शख्स जो यूज़ करता है हो सकता है वो छुपा ले, लेकिन जो एडिक्ट हो जाता है वो अपनी एडिक्शन छुपा नहीं सकता, क्योंकि उसके फिजिकल फीचर्स या उसके चेहरे से या उसकी आंखों से पता चल जाता है। फिर कोऑर्डिनेशन की डिक्रीज हो जाती है इनकी, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अगर आपने ड्रग एडिक्ट्स को देखा हो जो स्ट्रीट्स पे हैं, उनका देखा होगा उसके मुँह पर इनके खाना खाते हैं तो ये मुँह पर इनके पूरा खाना फैला हुआ होता है। अब वो क्यों फैला हुआ होता है मुँह पर खाना, कि जब वो खा रहे होते हैं जो बाइट ले रहे होते हैं, हाथ में बाइट होता है, तो जब वो मुंह में डालते हैं तो उनको वो मुंह नजर नहीं आता, वो कभी यहाँ साइड पर डाल रहे होते हैं, यहाँ डाल रहे होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन जो दिमाग का और जो हाथ का फिजिकल का जो कोऑर्डिनेशन है वो उसके अंदर बड़े मसले शुरू हो जाते हैं इनके। इसी वजह से अगर ये ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट्स करते हैं, ये घरों में अपना फिजिकल काम नहीं कर सकते, जल्दी इनकी जॉब छूट जाती है, जॉब में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से इनको जॉब से जल्दी निकाल दिया जाता है। फिर इनको कॉन्सेंट्रेट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, ये फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अपन का दिमाग जो है वो क्रेव करता है कि और ड्रग एडिक्शन और ड्रग्स चाहिए, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको जो है वो एक ही फोकस में चीज़ें रह नहीं पाती, जिसकी वजह से ये फिर दूसरे तरीके यूज़ करते हैं फोकस में अपने आप को लाने के लिए, फिर दोबारा पीते हैं ताकि वो फोकस में आए, और जिसकी वजह से ये होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते जाते हैं, जजमेंट इनकी पुअर हो जाती है, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है, मारपीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, बच्चों को मारते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, इवन के माँ बाप को मारते हैं ये लोग, क्योंकि इनको जो जज इनको जो है वो बस वो ड्रग्स चाहिए होती हैं, तो अगर सामने वाला उसको हेल्प नहीं करेगा, उसको नहीं देगा, तो वो फिर उसके अंदर जो है ये वॉयलेंट हो जाते हैं, और एक दफ़ा जब वॉयलेंट हो जाते हैं तो वो वॉयलेंस जो है वो उनको ज़्यादा नज़र आता है। फिर पैरानॉइड थिंकिंग हो जाती है इनकी, पैरानॉइड थिंकिंग का मतलब ये है कि उल्टे सीधे ख्याल आते हैं इनको, हर वक्त उल्टे सीधे ख्याल की तरफ ये लोग जाते रहते हैं, और ये उल्टे सीधे जो ख्याल उनको आते हैं वो पैरानोया जो होता है वो ये होता है कि लोग इनको इनके लिए जो है बुरा सोच रहे हैं, ज़्यादातर नेगेटिव ख्याल आते हैं इनके दिमागों में और पॉजिटिव नहीं होते। इसी वजह से जब ड्रग्स लेने वाला जो है वो सबसे ज़्यादा
जो टॉर्चर कर रहा होता है वो अपनी फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर कर रहा होता है, और जब फैमिली मेंबर्स को ये लोग जो टॉर्चर करते हैं तो वो थिंकिंग यही होती है कि फैमिली मेंबर्स उनके अच्छाई के लिए उनके साथ नहीं दे रहे हैं, उनका भला नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वो अपना जो डिप्रेशन या एंगर है वो जब इनको ड्रग नहीं मिल रही होती तो सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है फैमिली को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये फैमिली है। हम ड्रग अब्यूज़ को दुनिया में क्यों फोकस किया जाता है? ड्रग अब्यूज़ को दुनिया में इसलिए फोकस किया जाता है कि जो 15 से लेकर 64 एज की जो ग्रुप के लोग हैं दुनिया में, वो 5% से ज़्यादा लोग जो है यूज़ करते हैं। 5% का मतलब है, अब आप 7.7 बिलियन की आबादी है दुनिया में, तो आप इसका 5% आप काउंट करें, कितने जो हैं करोड़ लोग हो गए जो दुनिया में ड्रग एडिक्शन का शिकार है। फिर ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर इस वजह से भी इंटरनेशनली ड्रग अब्यूज़ को ज़्यादा दिया जाता है इम्पोर्टेंस, इसलिए दिया जाता है कि ज़्यादातर जो एडिक्शन जिनकी होती है वो फिर जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जो सरेंजेस यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं एक दूसरे के, तो उससे जो डिजीज़ होती हैं वो डिजीज़ फैलती हैं, एक से दूसरे में फैलती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दुनिया में जो इसमें फैला है वो है HIV/AIDS। सबसे ज़्यादा जो ड्रग एडिक्शन का इम्पैक्ट आया है वो ज्वाइन हुआ है वो ये हुआ है कि ज़्यादातर HIV/AIDS के जो पेशेंट्स आपको मिलते हैं दुनिया में, वो ज़्यादातर उनको HIV/AIDS जो है वो ड्रग एडिक्शन की वजह से होता है। ये किसी के इंजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, किसी का किसी की भी जो छोड़ा हुआ इक्विपमेंट है वो यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जो है वो मेन आस्पेक्ट इसके अंदर जो रिसर्च बताती है। फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आपका जो एक शख्स है जिसकी फिजिकल डिपेंडेंस की होती है कि वो ड्रग के बगैर जब इसके जिस्म में ड्रग नहीं होती या ख़त्म होने की उसका असर ख़त्म हो रहा होता है तो उसके विदड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। विदड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके जिस्म कांपने लगता है, इसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और दिमाग जो है वो क्रेविंग करना शुरू कर देता है, वो कहता है कि और ड्रग्स मिलनी चाहिए। इनका जो है बर्दाश्त का लेवल जो है वो इसका इफेक्ट है कि बर्दाश्त का लेवल इनका रिपीटेड यूज़ की वजह से ख़त्म हो जाता है, इसी वजह से ये लोग बार बार चीज़ें मांगते हैं, बार बार ड्रग्स मांगते हैं, और किसी भी तरह से इनको वो ड्रग्स चाहिए। इसलिए स्टील करना, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हर तरह के गलत काम, और लोगों के लिए जो है वो इवन सबसे ज़्यादा देखा गया कि जो ड्रग यूज़र्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ड्रग्स के कारोबार में भी इन्वॉल्व जल्दी हो जाते हैं। वो इसीलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको आसानी लगती है कि वहाँ पर उनको इस्तेमाल के लिए भी चीज़ मिल जाएगी, और साथ में जो है वो इसके डिपेंडेंट होते हैं तो दूसरे लोग उनको मिस यूटिलाइज भी आराम से कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में यह है कि वो एक्सट्रीम इलनेस की स्टेट आ जाती है जब आप ये ड्रग्स को छोड़ देते हैं और नहीं लेते, और जब लेते हैं और ज़्यादा लेते हैं तब भी आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त आपका जिस्म नहीं मिलता, आपका जिस्म कांपने लगता है, फौरन आप धुत हो जाते हैं पीते, फिर दोबारा उसका असर ख़त्म होता है, दोबारा जिस्म कांपने लगता है, बुखार भी बहुत तेज़ आने लगता है लोगों को, उसमें लोग जो हैं वो पसीने छूटने लगते हैं, और उसको घर अपनी जिस्म की गंदगी, उसको ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, प्राइमरी हेल्थ केयर भी ख़त्म हो जाती है, खाना पीना भी इसका छूट जाता है, वो खाना पीना भी नहीं खाता, उसको सिर्फ क्रेविंग होती है कि मुझे चाहिए। तो साइकोलॉजिकली दिमागी नफ्सियाती तौर पर भी इसको जो है वो ये चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से ये दूसरी एक्टिविटीज़ और उस पर एडवर्स इफेक्ट होता है, दूसरी एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर सकता। बिहेवियर का इशू भी हम डिस्कस कर चुके कि बिहेवियर भी उनका वायलेंट बिहेवियर होना शुरू हो जाता है, और अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। सड़कों पर अगर हो तो आपको नज़र आता है कि वो बीच सड़क पर खड़े होते हैं और उनको ये नहीं होश होता कि वो इसको किस तरह सड़क क्रॉस करें। जब आपसे भीख मांगने आते हैं तब भी ये जो है इनकी आंखें जो है फोकस में होती है, आप उनसे आंखों से आंखें अगर मिलाने की कोशिश करेंगे वो आपसे आंख नहीं मिला सकेंगे, वो इनका फोकस ही नहीं आता, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता, तो वो आंखों में आंखें भी डाल के बात नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन जो है फिजिकल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की वो ये है
कि आपके जो बिहेवियर है, जो आपका हम एक इंसान जो है वो ऑर्गन ऑर्गेनिज्म है और उसका जो बिहेवियर है वो पूरा डोमिनेट हो जाता है ड्रग्स की वजह से। और ये डोमिनेशन जो है वो इसमें उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशनल हायरार्की का, ऑर्गेनिजम्स मोटिवेशनल हायरार्की का मतलब है कि दिमाग जो है वो अपने आप को मोटिवेट करता रहता है कि अगर मैंने लिया इसको कंटिन्यूस तो ज़्यादा से ज़्यादा लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगा, बेहतर काम कर सकेगा, और इस तरह से वो हैबिट से एडिक्शन और एडिक्शन से अब्यूज की तरफ आ जाता है। एक जो है वो स्टडी कंडक्ट की गई थी, और स्टडी जो कंडक्ट की गई थी उसके अंदर एल्डरली जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं उनसे रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछा गया था कि वो एल्डरली क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ जो है वो एल्डरली में मैं हम कह रहे हैं तो उसके अंदर हम यंग लोगों का भी साथ में डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो इसमें कॉजेज है फैक्टर्स है जो यंग लोगों का है। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं ड्रग्स जो ओल्ड एज पीपल उससे यूज़ करते हैं कि उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, इतना क्रॉनिक पेन और इलनेस होता है, उनकी जिस्मानी बीमारी इतनी बुढ़ापे की वजह से बढ़ जाती है कि वो लोग अपने ड्रग्स इस तरह के ड्रग्स यूज़ करके अपने पेन को कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है ये सबके लिए लाइफ स्ट्रेस के ज़िंदगी का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रेशर है ज़िंदगी में, हमारे बहुत मसाइल है ज़िंदगी में, सबके होते हैं, और उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन मसाइल को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कभी अल्कोहल पीने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं या मुख्तलिफ और एडिक्शन चीज़ें इस्तेमाल करने लगते हैं जिसमें वीड मैरिजुआना चर्स और हमने इसका जिक्र किया हेरोइन और कोकेन। हेरोइन के का इस्तेमाल जो है ना वो सबसे ख़तरनाक होता है। अच्छा एक और कह रहे हैं लॉस, ज़्यादातर ओल्ड एज में क्या होता है कि हस्बैंड का या वाइफ का इंतकाल हो जाता है तो कंपेनियन का इंतकाल हो जाता है तो कोई लॉस होता है, मनी का लॉस हो जाता है लोगों का, ये यंग लोगों के लिए भी है कि लॉस जब हो जाता है तो इंसान जो है फौरन डिप्रेशन में आ जाता है किसी चीज़ की लॉस की वजह से, तो भी जो है वो ड्रग्स लेना शुरू करता है। सोशल आइसोलेशन, जब इंसान माशरे में जहाँ रहता है वहाँ अपने आप को समझता है कि वो बहुत है दूर दूर है माशरे से, और वो समझता है कि माशरा जो है वो उसको इसको जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा। वो क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा? क्योंकि वो अपने आप को पावरलेस समझता है, अपनी फैमिली में उसकी कोई हैसियत नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल उसके डिसीजन मेकिंग पावर में उसको कोई उसको स्पेशली कोई जो है वो इसकी से ना हो। स्पेशली बूढ़े होते हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो घर वाले उनको जो है बिल्कुल दूर लेके जाते हैं, दूर ले लेते हैं, दख लेते हैं, यानी कि उनको उस डिसीजन मेकिंग में घर के मामलात में उनको बोलने नहीं मिलता, उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग का पावर ख़त्म हो जाता है क्योंकि कमा नहीं रहे होते हैं। या बिल्कुल जो है वो बहुत सारी फैमिलीज में तो ऐसा होता है कि बूढ़े लोगों को जो है वो सिर्फ अपने कमरे तक महदूद कर दिया जाता है, उनको खाना भी उनके कमरे में दे दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसे आस्पेक्ट हैं जिनको जो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं तो जो ज़्यादा जल्दी ड्रग्स या अब्यूज़ करना, ड्रग को अब्यूज़ करना या सब्सटेंस को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। दवाइयाँ ज़्यादा जो भी उनको दवाइयाँ मिल रही होती हैं वो एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं, जो भी मिल रही जो भी इनके पास दवाइयाँ होती हैं ओल्ड एज की वो ज़्यादा करते हैं। फिर वो यूथ जो और वो यंग पीपल जिनको लगता है कि उनका माशरे में कोई हैसियत नहीं है या उनके फैमिली वाले उनको बिल्कुल दूर कर लेते हैं तो वो भी आइसोलेटेड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो भी एडिक्शन का शिकार होते हैं। ग्रीफ, किसी के जाने का जो है वो गम, गम को भुलाने के लिए जो आप एक शख्स जो है वो ड्रग एडिक्ट बन सकता है, ड्रग्स लेना शुरू कर सकता है, और जब ड्रग्स लेता है तो वो हो सकता है कि वो ज़्यादा एडिक्शन की तरफ चला जाए। तो ग्रीफ को ख़त्म करने के लिए, ग्रीफ जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है ग्रीफ, और जो लॉस में भी हमने बात की थी कि ग्रीफ जो है वो गम बहुत लगा, एक तो है कि कोई चला गया, चीज़ चली गई, इंसान चला गया, इंतकाल हो गया, एक होता है कि वो गम उसके जाने का गम जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। तो ग्रीफ को भी मिटाने के लिए लोग जो हैं वो कहते हैं, डिप्रेशन को हम अभी डिस्कस कर चुके कि डिप्रेशन जो है वो किसी किसी भी एज ग्रुप में डिप्रेशन हो सकता है। ग्रीफ जो दुख है, गम है, किसी के जाने का, किसी के मरने का, किसी की बीमारी का गम है या कोई और किसी का गम है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है घर में,
फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसका ग्रीफ भी हो सकता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको आपका ड्यू राइट जो है वो नहीं मिल रहा, या लोग जो है वो आपको अपना नहीं दे रहे, तो भी ग्रीफ होता है और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। बहुत ज़्यादा फारिग टाइम है लोगों के पास, कुछ है ही नहीं करने के लिए, फारिग बैठे हैं तो चलो ये ट्राई करके देख लें, दोस्तों ने उनको जो है वो प्रेशराइज किया, तो बैड कंपनी होती है, जो दोस्त होते हैं वो भी जो है वो उस पर ज़बरदस्ती, चलो सिगरेट पी लो कुछ नहीं होता, ये खा लो कुछ नहीं होता, और इस तरह जो है वो उनको आदि बनाते हैं। और फिर इसके बाद और फिर कुछ ज़्यादा ही पैसा, तो पैसा जो ज़्यादा आ जाए तो भी हम कहते हैं कि वो भी कहाँ होता, तो जो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो थ्रिल एडवेंचर उसके लिए भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्शन की तरफ आ सकते हैं। तो ये हमने कुछ किए, इसमें कॉजेज जो हैं वो हमें जो नज़र आते हैं वो पर्सनैलिटी के कॉजेज हैं, सोशल इन्वायरमेंट है, एंगजाइटी है और जेनेटिक्स है। तो इस फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा लीगल ड्रग्स लें या इलीगल ड्रग्स लें, पर्सनैलिटी का जो करेक्टरिस्टिक है वो हमने फैमिली प्रॉब्लम्स जब किए थे और सोशल प्रॉब्लम्स में, तो हमने बच्चों की जो पेरेंटिंग स्टाइल और बच्चों के रिलेशनशिप माँ बाप के साथ, उसके अंदर वो बच्चे जो बचपन से एग्रेशन को बता दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं अपने करेक्टरिस्टिक में, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, इनका सेल्फ कंट्रोल कम होता है, इनका टेम्परमेंट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो जल्दी ड्रग एडिक्शन के लिए रिस्क, ज़्यादा रिस्क पर हैं। ऐसे बच्चों को इसीलिए जल्दी काम डाउन करना चाहिए, इनकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक ऐसी है कि ये आगे जाकर अपने इस आदतों को प्रैक्टिकल लाइफ में आकर जो हटाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि आप ऐसे इलाके में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर आपको, जहाँ ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर आपको जो है ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल मिलती हैं, या लोग जो है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आप जो है आपके लिए नॉर्मल होता है कि सभी यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे गुटखा और छालिया जो यूज़ करते हैं, जो पान गुटखा छालिया जिसके अंदर टोबैको और निकोटीन डायरेक्ट खाते हैं, चबाते हैं मुँह में, और अक्सर उनकी जो पान की जो पीक होती है, थूक होती है, वो गले के अंदर चली जाती है और जिस्म के अंदर अक्सर जाती है, इन लोगों की चली जाती है, तो वो इम्पैक्ट करती है। तो सोशल इन्वायरमेंट बड़ा इम्पैक्ट करता है। फिर माँ बाप का जो बिहेवियर है घर के अंदर, वो भी अगर इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप भी अगर यूज़ करते हैं इस चीज़ को, तो भी जो है वो आपको ये रिस्क इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, जिसको हमने अभी ओल्ड एज के हवाले से डिस्कस किया था, ये यंग एज के हवाले से भी है कि आपकी जो जॉब है बहुत एंग्जाइटी वाली है, या आपकी जॉब जो है एंग्जाइटी के साथ, आपकी जॉब जो है वो इस किस्म की है जिसमें बहुत ज़्यादा अकेले हैं। जैसे फौजियों की जॉब जो होती है वो ऐसी होती है कि पूरी पूरा कितने कितने दिनों तक अकेले रहना होता है, गार्ड करना होता है बॉर्डर को, या अभी सर्द इलाकों में रहना होता है, अभी बहुत सारे उसमें इनके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं ताकि डिप्रेशन से निकल आए। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो फौजी वॉर से या जंगों से वापस आते हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं और लोनली फील कर रहे होते हैं, वहाँ पर इतनी मौत और इतना टॉर्चर और इतना वायलेंस देख चुके होते हैं और खुद इतने लोगों को वायलेंस कर चुके होते हैं कि वो लोग इस गम को भुलाने के लिए, उनको ख़राब ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, उससे बचने के लिए कि ये ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फौजियों को देखा गया है बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको जो है वो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं PTSD। वैसे ये बीमारी ज़्यादातर जो है हम कहते हैं कि उन लोगों को होती है जिनको किसी किस्म का ट्रॉमा हुआ होता है। तो PTSD का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है डिसऑर्डर है, जो ये डिसऑर्डर जो है वो उन लोगों को ज़्यादा होता है जो किसी खास गम से गुजरे हों, किसी खास लॉस से गुजरे हों, या किसी खास डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर के आए हों, तो उनको डिप्रेशन होता है, जिसमें ज़्यादातर कहते हैं कि जो माएँ प्रेग्नेंट होती हैं और चाइल्ड होने के बाद उनको PTSD होने के बहुत ख़तरनाक चांसेस होते हैं अगर फैमिली का सपोर्ट शामिल ना हो। इसीलिए पाकिस्तान में औरतों को PTSD बहुत कम तादाद में क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ननियाल या लड़की की जो मदर या उसकी फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रही होती है, या
हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट मौजूद है, बाहर मुल्कों में फैमिली सपोर्ट नहीं है इसलिए PTSD ज़्यादा है। फिर हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से जो है वो फौजी जब वापस आते हैं तो भी उनको जो है वो एक रिलीजियस फैक्टर भी है कि रिलीजन से जो है नज़दीकी होने की वजह से वो इतना डिप्रेस नहीं होते। लेकिन बाहर मुल्कों में आप चले जाएं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो मिलिट्री पर्सनल्स हैं और मिलिट्री वाले क्यों करते हैं, ज़्यादातर वो डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोनली होते हैं, डिप्रेस होते हैं, एंगजाइटी फील करते हैं। फिर जेनेटिक्स की बात आती है, जीन्स के अंदर आपका होना, अगर आप अगर मदर प्रेग्नेंट मदर है उसने अल्कोहल या कोई इस किस्म की ड्रग्स ज़्यादा ली हो तो उसके अंदर बच्चे में टेंडेंसी आती है ड्रग्स की और ज़्यादा रिस्क पर होता है बच्चा ड्रग्स पर। इसीलिए जब माएँ प्रेग्नेंट होती हैं, जब औरतें मतलब एक्सपेक्ट करती हैं चाइल्ड को, तो उनको कहा जाता है हर तरह की दवाइयाँ से दूर रखा जाता है, अल्कोहल अच्छे से अच्छी जो कंट्री में जो है वो वेस्टर्न कल्चर में भी जो है वो देखा गया है कि लोग जो हैं अल्कोहल से दूर भागते हैं, नहीं पीते, बियर भी नहीं पीते ताकि बच्चे पर गलत अफेक्ट ना हो। इवन के डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाइयाँ नहीं देते और कहते हैं कम से कम दवाइयाँ लें, पेन किलर्स भी कम लिया करें, कम लें ताकि चाइल्ड पर इम्पेक्ट कम हो। तो सिर्फ और उस सूरत में पेन किलर्स और कुछ चीज़ें ली जाती हैं जब माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो और बच्चे को नुकसान ना खाने से बच्चे को ज़्यादा नुकसान होगा तो दवाइयाँ जो है वो देनी पड़ती है। तो ताकत की दवाइयाँ दी जाती हैं इसीलिए उसमें, ताकि वो प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर जो है वो बर्दाश्त कर सके, वो अल्कोहल या किसी और किस्म की ड्रग्स को लेना ना पड़े। तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉज में कि ड्रग्स कौन सा ले रहा है। स्मोकिंग कर रहे हैं तो छोड़ना आसान है, उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन अगर हेरोइन और कोकेन भी तो उसके इम्पैक्ट आपको फिजिकल एडिक्शन ज़्यादा नज़र आती है और ज़्यादा जो है वो आपको डिपेंडेंसी नज़र आती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खुद सोचें कि आपके साथ क्या हो, आपका दिमाग की जो हालत है वो कौन सी होती है, जो बीच का जो दिमाग है ये हेल्दी दिमाग है, ठीक है। ये हमने जो है मैंने न्यूरोलॉजिकल जो साइट है जो इसकी टेस्टिंग करते हैं और स्कैन करते हैं, ब्रेन को स्कैन करते हैं, तो ये दिखाते हैं कि ये हमारा नॉर्मल ब्रेन है जो वर्किंग करता है, जो नॉर्मल और हेल्दी ब्रेन है जिसके अंदर ड्रग्स, ये उस शख्स का ब्रेन है जिसका ड्रग्स ने वो ये यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आप 25 साल तक अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा लेकर, तो वहाँ पर अल्कोहल जो है इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ब्रेन, ये 25 साल में का अल्कोहल इस्तेमाल करने से होता है, 12 साल मैरवाना इस्तेमाल किया तो देखें दिमाग की क्या हालत हो गई। आप देखें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, दिमाग के अंदर जो है जो ये सोचने वाला जो पोर्शन है, ऑरेंज पोर्शन नज़र नहीं आ रहा, वाइट पोर्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। हेरोइन पीने से आप देखें दिमाग जो है उसके अंदर सुराख हो जाते हैं, यहाँ पर फॉग आ रही है, यहाँ दिमाग में आप देखें सुराख हो रहे हैं। और ये 2 साल के अंदर अगर आप कोकेन, सिर्फ 2 साल की कोकेन पीने से आप देखें दिमाग के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ जो है आपको गैप नज़र आना शुरू होता है, सोचों में मेमोरी लॉस हो रही है, इमोशंस लॉस हो रहे हैं। तो ये दिमाग आप देखें ये नॉर्मल दिमाग नहीं है, जो हेल्दी दिमाग से बहुत डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, ये हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं इसमें। जो एडिक्शन के इफ़ेक्ट्स में जो आता है वो सबसे पहले तो अब्यूज़ है, कि जब आप एडिक्ट हो जाते हैं तो आप दूसरों को भी अब्यूज़ करते हैं, खुद भी अब्यूज़ हो रहे होते हैं और दूसरों को अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ का मतलब है कि आप जब जैसे रेप की केसेस जो हैं वो आपको एडिक्टेड लोगों का इसलिए मिलते हैं कि वो हर तरह का अब्यूज़ जो है उनके लिए राइट और रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। टॉलरेंस इस पर नहीं होती, बर्दाश्त इन लोगों में नहीं होती। फिजिकल डिपेंडेंस मैं बता चुकी हूँ कि फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, माइंड और बॉडी का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, वो इसलिए कि ये लोग जो हैं वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकते, जॉब नहीं होल्ड कर पाते, इसलिए ज़्यादातर ये लोग जॉबलेस होते हैं तो और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इस वजह से लेने लगते हैं। अल्कोहलिज्म यानी अल्कोहल भी साथ साथ ले रहे होते हैं ताकि जो है वो बीच के जो पोर्शन में अल्कोहल जो है वो उनको हो। लेकिन इसके अंदर एक और ख़तरनाक अफेक्ट ये है कि इनको पता नहीं चलता, बहुत बहुत घंटों तक ये लोग जो हैं वो बेहोश रहते हैं
और उसके अंदर ब्लैकआउट्स आ जाते हैं इनको, पता नहीं होता कि 5-6 घंटे तो वो कहाँ थे, जब उठते हैं सो जब बेहोश हुए थे तो कहाँ थे और जब उठे तो कहाँ थे। ये इनको नींद में चलने की आदत हो जाती है, इनको नशे में जो है वो क्या कर रहे होते हैं वो ब्लैकआउट हो जाता है। अक्सर लोगों ने ब्लैकआउट्स में बहुत सारे क्राइम भी किए हैं और बाद में जब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है तो उनको पता चलता है कि इन्होंने तो ये काम किया ही नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता इनका दिमाग, क्यों एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ब्लैकआउट हो जाता है इनको। तो ये चंद दवाइयाँ वो हैं, ड्रग्स हैं, जैसे ये ड्रग्स नज़र आ रही हैं आपको, इसकी शक्लें इस किस्म की जो है ये पुरानी हैं लेकिन अब नए नए अंदाज की क्रिस्टल्स आ गए हैं, आपको सबको पता होगा। वो जो ज़्यादातर ये वाली जो ड्रग्स यूज होती हैं ये हल्की फुल्की ड्रग्स हैं जो इसका ओवरनाइट जो है उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादातर जो है वो क्लब्स में मिलती हैं। इसको एक्सटेसी कहते हैं, एक्सटेसी इनको कहा जाता है, और इसी के अंदर जो है वो लोग ऐसे उल्टी सीधी हरकतें हम कहते हैं ना होती हैं जो बाद में बहुत लोग पछताते हैं। तो ये आपका प्लेन ब्रेन है और ये ब्रेन वो है जब एक्सटेसी ये लेते हैं तो आप देखें ब्रेन का पूरा एक पोर्शन जो है वो काम करना छोड़ देता है उस वक्त, और वो आप नॉर्मल बिहेव नहीं करते। और नीचे मैंने एक ब्रेन का लिया है कि ये बेसलाइन ये ब्रेन है, एक नॉर्मल ब्रेन है जो एक्टिविटी करता है। 21 साल का शख्स था, 21 साल का लड़का है, उसका ये सब्जेक्ट था, उसका दिमाग ऐसा था। 2 वीक इसने जो है ये एक्सटेसी ली है, तो उसके दिमाग की हालत आप कंटिन्यूसली थी, आप वॉलंटियर किया था इसने, और 2 वीक तक इसने ली है, तो पोस्ट MDMA जो है वो ये ब्रेन की हालत हो गई। आप सोचें कि ये जो ऑरेंज पोर्शन होता है ना ब्रेन का, ये सोचने समझने और काम करने का पोर्शन होता है, और यही सोचते समझने की सलाहियत आपके जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो कितना आप सोचें कि सिंपल छोटी सी ड्रग भी जो है वो इंसान को कितना आस्पेक्ट और कितना जो है वो चेंज करती है। अच्छा नेक्स्ट इसमें जो है वो हमारा ट्रीटमेंट आ जाता है, ये ट्रीटमेंट जो है वो इसका कौन सा है, तो ट्रीटमेंट और हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे।